ग्लोबल मीडियास कैपिटल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मीडियास प्रोडक्शन हाउस की ओर से 1984 के सिख नरसंहार और उसके बाद इन दंगों से आहत हुए परिवारों की दुर्दशा को दर्शाती डॉक्यूमेंट्री फिल्म के विषय में आम जनता के संज्ञान में लाना और इसका ट्रेलर रिलीज करना है, जिसका नाम है 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मीडियास कैपिटल, ने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। बता दें कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके प्रोडक्शन हाउस ने 1984 में सिखों के नरसंहार के विषय में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सन 1984 के दंगे तो आपको याद ही होंगे, इसको लेकर के कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, कई सारी फिल्म बन चुकी हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी कई सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। इसी कड़ी में एक डॉक्यूमेंट्री और शामिल होने जा रही है, जिसका नाम है जेनोसाइड्स ऑफ सिख्स। और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है ग्लोबल मीडियास फाउंडेशन की तरफ से, जिसके फाउंडर हैं इंद्रप्रीत सिंह जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आखिर क्या इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा है जो बाकी डॉक्यूमेंट्री से अलग है, और इसकी आखिर क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की? देखिए, जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो एक स्टोरी होती है, एक स्क्रिप्ट होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है स्क्रीन प्ले का कि ऐसे ऐसे करेंगे। ये तो ऐसे हुआ कि हम कहीं पे गए किसी की कोई तकलीफ सुनने, तब हमें खुलासा हुआ कि ये चीज़ तो 1984 के पीड़ितों से जुड़ी है। एक के बाद ऐसी चीज़ें निकलते आई, और फिर हमें जाके ये पता चला कि ये तो 38 साल से जो लोगों की आंखों में धूल झोंकी रही है कि 1984 के पीड़ित अब बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो पता है कि 1984 के लीगल केसेस चल रहे हैं, बट उन लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है ये तो समाज में यही दिखाया गया कि सब ठीक है। तो जब हमने इस तरीके से एक के बाद एक लोगों से मिले, तब जाके वो अब डॉक्यूमेंट्री हुई है। तो जो ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो कभी डॉक्यूमेंट्री की तरह स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने पहले लोगों से बातचीत की थी, वो सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ? इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने की शुरुआत आपके माइंड में आई कैसे, ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, हमारी ग्लोबल मीडियास फाउंडेशन है जो हमारी NGO है, ये पिछले 2 साल से दिल्ली पंजाब में लोगों की समस्याओं के लिए काम करते हैं। तो इसमें जिसको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो हमारे सेल्स नंबर पे लीगल उस पर फ़ोन करके हेल्पलाइन पे हमें बताता है। तो हमें फ़ोन आए कि ऐसे हम लोगों को अपने बच्चों की फ़ीसें भरनी है, तो आप सहयोग करें। तो जब ऐसे फ़ीसों आए, क्योंकि अभी स्कूल खुले हैं, तो जब ऐसे आते थे तो बड़ी सारी जगह से कॉमन आया कि एक तो सिखों की तरफ से ही आ रहा है, और फिर हमने देखा बड़ी सारी चीज़ों में वो 1984 के विक्टिम्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। आप कितने साल पहले बता रहे हैं जब आपको इस तरह की कॉल्स आने स्टार्ट? ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले 8-9 महीने से कॉल्स तो हमारे 2 साल से आ रहे, क्योंकि 2 साल से हमारी ग्लोबल मीडियास फाउंडेशन जो वहाँ है और ग्लोबल मीडियास कैपिटल प्रोडक्शन हाउस ही है। तो जब हम ऐसे करते रहे, तब हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 1984 से जुड़ी हुई हैं। फिर हमने उसको ग्लोबल मीडियास कैपिटल, जो हमारा मूवीज का प्रोडक्शन हाउस है, उससे जोड़ा, और फिर ऐसे इंटरव्यूज़ के पैटर्न पे डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्योरली इंटरव्यू बेस्ड है, जिसमें जिस बंदे के साथ जो घटना घटी आज से 38 साल पहले उसका विवरण है, और 38 साल के बाद आज जो वो लोग सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सर उन्होंने बताया। तो प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से जो गवर्नमेंट के सामने लेकर आ रहे हैं, और इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है कि पहले तो इसको इंडिया के पार्लियामेंट में दिखाई जाए, जो मौजूदा सरकारें हैं वो इसमें तो हेल्प करें कि जो लीगल केसेस हैं उसको फास्ट ट्रैक पे ले जाएं, क्योंकि 38 साल के बाद पहले जो लोग 20 साल के थे, आज 38 साल के बाद करीबन 60 साल के हैं। तो अगर और इसको 15-20 साल लग गए तो ना तो अक्यूज्ड बचेगा, ना विटनेस बचेगा, ना विक्टिम बचेगा। तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी ज़रूरी है। तो एक अपील है कि इसको जो लॉयर्स जिनकी हमने इंटरव्यू लिए है और उन्होंने बताया है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हो इसको थोड़ा स्पीड अप कर लें। दूसरा, जो लोग इनसे पीड़ित है बट आज उनको नौकरियां नहीं मिली, आज उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में रोज़गार नहीं है, उसके लिए एक रिलीफ फंड बनाएं, और वो रिलीफ फंड के थ्रू देश में और विदेश में लोग सहायता प्रोवाइड करें इन लोगों के लिए। अच्छा इंद्रप्रीत जी, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आपने बताया कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे तो उस समय काफ़ी सारे लोगों का प्रयास था कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बने, और इसको लेकर के आपने बताया कि हमले भी हुए, क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना बताइए। देखिए, उस वाले में कभी हम जाते थे तो वहाँ पे मना करते थे कि आप इंटरव्यू ना दीजिए। कई लोगों की हमने इंटरव्यू ली, उसके बाद उन्होंने हमारे फ़ोन नहीं उठाए, फिर उसके बाद कई लोगों ने हमें बोला कि आप इस एरिया में दोबारा ना आए। फिर हम कई जगह पे गए तो हमारे पास कैमरा था 4K वाला, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज 4K पे बनती है, वो कैमरा तोड़ दिया गया। फिर हमें उसको अपने मोबाइल पे या दूसरे तरीके से छुप के शूट करना पड़ा। तो हम खुले में कर ही नहीं पाए, क्योंकि खुले में हर कोई ऐसा
जिसने इस चीज़ को 38 साल तक पर्दे में रहे बात उसी पे फोकस किया है, तो वो नहीं चाहते थे कि ये बात निकल के आए। अच्छा, ये लोग कौन थे? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, ये स्थानीय लोग थे, आखिर कौन थे ये लोग? ये समाज के अलग अलग तबके के भी लोग थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी लोग थे, कुछ लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे उसके भी लोग थे, कि ना जाने ये क्या बना रहे हैं 38 साल के बाद, अब क्या जरूरत पड़ गई है। मतलब इन लोगों की मानसिकता आपके हिसाब से क्या थी आपको रोकने की, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्री ना बने? क्या ये लोग नहीं चाहते कि जो सच्चाई है वो सामने आए? हाँ, उनका यही है कि जो दफन है उसको दफन ही रहने दें, क्यों जड़े मुर्दे उधाड़ने हैं, और जो लीगल केसेस टाइम ले रहे हैं उसके लिए तो सारे लोग प्रयास कर ही रहे हैं, तो जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही छोड़ें। 38 साल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी समय तक अभी भी इसको लेकर के मुकदमा चल रहा है, साथ ही सरकार ने भी, सरकार भी कहती है कि हमने जो पीड़ित सिख थे उनकी हेल्प करी है, उनको जो भी हेल्प चाहिए थी चाहे वो फाइनेंशियली हो हमने उनको प्रोवाइड करी है। तो अब आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसमें अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, उधर करी थी तो कितने लेवल की करी थी, कहाँ करी थी, किसने करी थी, वो नीचे पहुँची क्यों नहीं? क्योंकि अगर नीचे पहुँची होती, एक बंदा कहता कि नहीं पहुँची, 5 बंदे कहते नहीं पहुँची, 90% लोग जो आज हालातों में रह रहे हैं, तो वो अगर पहुँची होती तो वो उस हाल में रह ही नहीं रहे होते। क्योंकि अगर बंदा कुछ भी नहीं करता, अपने बच्चों की फीसें भरने लायक तो होता, तो अगर बच्चों की फीसें भी नहीं भर पा रहे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ही कहीं पे। तो हमारी तो कंक्लूजन ये निकली है, एक तो जो लोगों को दोबारा से बसाने के लिए तिलोट पुरी में बिहार में इन लोगों को तिलक विहार के अंदर जहाँ विडो कॉलोनी मिला है वो घर मिले, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद उन लोगों को अलग अलग टाइम पे थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन आई, ये भी बहुत स्पष्ट है। बट जिस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई गई और जिस कॉन्ट्रीब्यूशन आई और जो नीचे लोगों तक पहुँचनी चाहिए थे, वो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आंकड़ों की बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में हुई थी, आपको क्या लगता है कि जितने आंकड़े सरकार द्वारा दिखाए गए हैं क्या वो आंकड़े गलत हैं? आंकड़े किस चीज़ के? आंकड़े जो सिख जिनकी उनमें मृत्यु हुई थी, क्या उन सिखों के आंकड़ों की जो आंकड़े हैं वो गलत दिखाए गए सरकार? आंकड़े तो जो सिखों की हत्या हुई थी वो आंकड़े तो 1984 के हैं। अब उसको तो हम वेरीफाई हमने तो किया नहीं, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। हमारी तो वेरीफिकेशन ये रही है कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि 84 के विक्टिम्स को दिल्ली में सब सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी जाएंगे और वो सब ठीक रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने जब तफ्तीश करी और डॉक्यूमेंटेड करी तो ये चीज़ें नहीं निकलती हैं, और 90% लोगों के साथ ऐसा हाल है। तो हमारी जो तफ्तीश या डॉक्यूमेंट्री जो निकल के आई है वो ये कह रही है कि अगर ये बोला गया कि 100 लोग पीड़ित थे और 100 के में से 100 लोग ही अब ठीक हैं, तो वो क्लेम गलत है। 90 लोग आज भी बेसिक ज़रूरतों के लिए परेशान है और उन तक वो हेल्प नहीं पहुँची। इंद्रप्रीत जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा कि अगर सरकार की तरफ से या फिर कोई फाउंडेशन इसको लेकर के आप आगे आता है, ठीक है, और फिर वही घटना वही चीज़ सामने आती है कि ज़रूरतमंदों तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है कि किस तरीके से ज़रूरतमंदों तक आप हेल्प पहुँचा पाएंगे? हम लोगों का तो ये कहना है कि हमें भी इन्वॉल्व ना करें, एक इंडिपेंडेंट रिलीफ कमेटी बनाए, उस रिलीफ कमेटी के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर ना हो, कोई भी रिलीजियस लीडर ना हो, समाज के ऐसे लोग जो अपने आप को 20-30 साल से प्रोफेशनली साबित कर चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, जैसे एज सर्विसमैन, एज आर्मी का कोई बंदा, कोई बंदा जो एज जुडिशरी का हो, कोई बंदा जो पुलिस का हो, कोई वाइस प्रिंसिपल हो, कोई प्रिंसिपल हो, तो ऐसे लोग आए। ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी अपनी लाइफ में 40-40 साल बिताए हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनके पास समाज सेवा का टाइम है। ये लोग बैठे और ये बताए कि भाई आज एजुकेशन में करना है तो ये करना है, आज हेल्थ केयर में करना है ये करना है, तो पॉलिसी बनाए, और ये पॉलिसी बने उन लोगों से मिलने के बाद, उनकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद, और फिर ये चीज़ तो वो पब्लिक फोरम में लाएँ कि आज हमें इन स्कूल्स की ज़रूरत है, आज हमें इन ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत है, आज हमें ऐसे क्लिनिक की ज़रूरत है। तो जो लोग फिर इस तरीके से देश में विदेश में इन लोगों की मदद करना चाहते हैं वो फिर इसमें डालें। तो अब ये जो कमेटी ऐसे बन जाएगी, ये ना तो इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नॉमिनी बंदा होएगा, ना इसमें कोई रिलीजियस पॉलिटिकल या लीडरशिप का कोई बंदा होएगा, तो वो काम हो जाएगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है उसको पार्लियामेंट में भी दिखाया जाए? हाँ जी, क्योंकि पार्लियामेंट में दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 38 साल में कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो केसेस को जल्दी निपटाना है वो कैसे निपटा सकते हैं, तो जो वकीलों की हमने इंटरव्यू ली है, जो ये केसेस लड़ रहे हैं
उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी है उन्होंने बताया कि इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ जब वो देखेंगे तभी उनकी राय से चलेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आप शेयर करें, लोगों तक बात पहुँचाएं कि इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है, साथ में आप भी इसमें सहयोग दें और आप भी ये चर्चा पब्लिक फोरम से उठाएँ कि ये डॉक्यूमेंट्री को लोगों तक पहुँचाना जाए और दिखाया जाए, ताकि ये एक ऐसी मिसाल बन जाए कि अगर किसी भी कम्युनिटी को कहीं भी ऐसे कभी भी इस हालातों से गुजरना पड़े तो ये चीज़ जो एक बार सेट हो गई जिंदगी भर उनके हमेशा काम है। ग्लोबल मिराज कैपिटल के फाउंडर और 1984 जेनोसाइड ऑफ सिक्स के निर्माता का दावा है कि इस फिल्म में उन सारी घटनाओं का जिक्र उन पीड़ितों की ओर से किया गया है जिन्होंने 1984 में हुए दंगों के दौरान अपने करीबियों और अपनों को खोया है। साथ ही इसमें उन चीजों का भी जिक्र है जिसको सरकार की ओर से जनता से छुपाया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या खास है ये तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। दिल्ली से गजनवी पाशा के साथ शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।